प्रोजेक्ट अपना यहाँ बॉम्बे से 2 घंटे के ड्राइव पर है, पाली सुधाकर एक तहसील है। इसका मतलब श्री गणेश कैसे हो रहा है, हमारे एक मित्र हैं उधर, अभी इधर ही हैं, अभी आपके सामने आएंगे, दिलीप शाह, वो वहाँ तहसीलदार हैं और रहे, अभी यहाँ ट्रांसफर होकर बॉम्बे आए। तो हमारे खूबसूरत पड़ोसन का एक शूटिंग चल रहा था, वो शूटिंग में आए एक दिन, तो डिस्कस हुआ, बोला वो मतलब बहुत क्रेजी आदमी है, फिल्म से रिलेटेड होता है ना, उससे आर्टिस्ट होता है, मैंने अंदर उनके आर्टिस्ट बचा हुआ जो मैंने देखा। बोले यार बंसल भाई, एक मेरा फिल्म है अपन को बनाना, स्टोरी राइटर भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो भी आपके साथ आएंगे। तो उन्होंने बोला एक ऐसा ऐसा यहाँ पे 2 घंटे की ड्राइव पर बॉम्बे से लोगों का बहुत शोषण होता है। तो मैंने पूछा कैसे, क्या क्या होते हैं वहाँ? 50,000 रुपये के लिए बॉम्बे से कर्नाटक बॉर्डर पे लोग नौकरी करने जाते हैं, और जो नौकरी करते हैं बहुत गरीब होते हैं, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ होता है, न्यू जनरेशन में, यंग यूथ में, पर वो क्या गरीब पैसे का उनको पता नहीं कैसे क्या अर्न करना है, तो लोग उनका शोषण करते हैं। जो बाहुबली टाइप के होते हैं उनको एक 50,000 का एडवांस दे के लेके जाते हैं, पर एक साल काम कराते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ में, अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो उन्हें वापस नहीं आने देते हैं, वहाँ उनके बच्चों को गिरवी रख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड मेरे को बहुत एक दया टाइप का भावना आया, मैंने यार ऐसा कैसे होता है, तो इस चक्कर में फिल्म का श्री गणेश हो रहा है, ये इसका नियम है। आदिवासी कम्युनिटी जो एक विशेष कम्युनिटी, आदिवासी भी थोड़ा और गरीब लोग रहते हैं एकदम, पर बहुत कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ कबड्डी से रिलेटेड, पर वो खेल नहीं पाते, उनको एक मार्गदर्शन नहीं है प्रॉपर। तो अभी वो मार्गदर्शन देने के लिए हम जैसे बहुत सारे लोग, पर मेरे को ये स्टोरी सुनने में आया तो मैं दिलीप भाई को बोला मैंने अपन इसको करते हैं। तो हिंदुस्तान में कहीं भी है, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग से भी लोग इंस्पायर्ड होंगे कि अपन SRG फिल्म कर रहा है तो वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में यूथ की कमी नहीं है, पर कोई उसको एक मार्गदर्शन चाहिए, तो इसीलिए हम लोग भी हैं, और हम जहाँ जरूरत पे बोले वहाँ भी हम लोग जाएंगे। हम लोगों का म्यूजिक घराना है, दादा के बहुत म्यूजिक से रिलेटेड बहुत बैंक पड़ा हुआ है, तो एक तरीके से है, अगर क्योंकि ये फिल्म आती है रियलिस्टिक जॉनर में, तो ये रियलिस्टिक फिल्म में सब इवेंट्स और जो भी सीन, जो भी स्टोरी है, जो भी घटनाएं हुई है इस फिल्म में, जो भी वो सब रियल है और वो हम रिलेट कर सकते हैं उनके एक्चुअल जिंदगी से, तो वो रियलिज्म अगर स्क्रीन पे लाना है तो वो चैलेंजिंग है, क्योंकि वो लोग जो माइग्रेट होके जाते हैं वो एक अलग ही टेरेन है, अलग ही टेरिटरी है, तो वहां जाके उनके स्पेस में जाके वो शूट करना, उनकी स्पेस में जाके शूट करना और वो रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना, वो चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि ये एक हम डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं कर रहे, ये हम फिक्शन में कर रहे हैं, इसमें हमारे आर्टिस्ट जाएंगे पर काम वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो चैलेंजिंग है पर इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के और जैसे स्टेट के अलग बहुत अलग लोकेशन पे जाके शूट करने का मौका है, कुछ ऐसे लोकेशन है जो यूजुअली हम लोगों ने देखे नहीं रहते, जैसे अभी जैसे पाली तो ठीक है लोगों ने देखा है, कोंकण का रीजन है तो देखने में आता है, पर जो कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर उस रीजन में जाएंगे ना वो काफी आइसोलेशन में है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है, और ये लोग जहाँ काम करते हैं वहां तो हम लोग जैसे कॉमन मैन तो वहां तक नहीं पहुंचे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है, और वो जो लाइफ है बहुत टफ है, बहुत हार्डशिप है उस लाइफ में, और वो जब स्क्रीन पे आएगा तो मुझे लगता है कि वो काफी दिल का मच है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। ट्रेंड भी कर रहे हैं और जो प्लेयर्स हैं वो भी एक्सपर्ट और ट्रेंड प्लेयर हैं। आगे स्पोर्ट्स का ये जो एक जरिया होता है स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में कितना टैलेंट है, बाकी स्टेट्स में आपने बीच में आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड एंड all of my songs have crossed 1 million 2 million plus views and perfect just got released 5 days back and it's crossed 1 million plus views and I'm super thankful to all my fans
सब मेरे फैंस को बहुत शुक्रिया एंड प्लीज आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो यू डोंट मिस एनी डेली अपडेट्स. मेरा नेक्स्ट कवर सॉन्ग जो निकल रहा है जो एक सेवेंथ कवर सॉन्ग है वो है पीचेस और जस्टिन बीबर. मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मेरा फेवरेट जॉनर का सॉन्ग है. आपने हिंदी आपकी जो फिल्म है खूबसूरत पड़ोसन में उसमें भी आपका एक बहुत अमेजिंग गाना है जो yes. Tell us about that. सो खूबसूरत पड़ोसन मेरी मेरे डैड की फिल्म है. वे प्रोड्यूसर है और दादू के गाने हैं तो मैं दादू के कंपोज्ड गाने में मैं गाया हूँ नोट देकर वोट लिया. बहुत ही कॉमेडी गाना है बहुत ही मज़ेदार गाना है तो अभी जुलाई को रिलीज़ होगा तो आई होप यू लाइक इट. एकदम धमाकेदार गाना है. आई लाइक बेसिकली पॉप एंड आई लाइक स्विंग अलॉट. मैं मराठी में बोलूंगा. मराठी में ज्यादा मैं अच्छी तरह से इसमें ठीक है. हिंदी बात तो ये सुधागढ़ नाम का तालुका है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. आप जानते हैं इमेजी का तो जानते होंगे. इमेजी के बाद 10 मिनट तो ये तालुका शुरू हो जाता है और वहाँ मैं 3.5 साल तहसीलदार रह चुका हूँ. और उसी दरमियान में वहाँ पे कातकरी नाम का एक समाज है. कातकरी आदिवासी समाज है महाराष्ट्र में जो तीन सबसे निचले समाज आदिवासी बांधव है कातकरी एक आते हैं. तो कातकरी के उनके लाइफ के बारे में ये सब स्टोरी आती है. उनका जो शोषण होता है तो शोषण के बारे में स्टोरी है. सर ने बताया कि उनको लिया लेके जिया जाते हैं कर्नाटका में. जनरली हर साल उनको दो जोड़ियों दो लोगों को 70,000 रुपये देते हैं और साल भर काम करवा के लेते हैं. कभी कभी 2 साल कभी 3 साल कभी कभी 4 साल कभी कभी छूटते नहीं. ऐसे बहुत सारी स्टोरियां मेरे सामने आई कि बहुत बहुत ही मतलब उनके काम करना जरूरी था. हमने एज अ गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम किया है फिर भी ये फिल्म के माध्यम से कुछ प्रबोधन करना चाहते हैं हम. यानी कि वो लोगों में प्रबोधन हो जाए और लोगों को भी पता चले कि किस तरह का अभी भी वहाँ पे गुलामगिरी होता है. जी सुधागढ़ के ही ये दो बच्चे हैं और सुधागढ़ के ही वो कातकरी ने एक अब सुधागढ़ की दो बच्चे लिए हैं जो उसमें कास्ट उनको कास्ट किया गया है. एक्चुअल आर्टिस्ट है उधर सुधागढ़ के. तो एक स्क्रीनिंग क्योंकि जब आप फिल्म पर्दे पे बनाते हैं तो एक ड्रामा होता है एक फिक्शन होती है तो उसमें आप कैसे उनको ट्रेन करेंगे कैसे उन्हें प्रिपेयर करेंगे कि वो कैमरा फेस कर सके और एक्टिंग कर सके. उनका वर्कशॉप शुरू है एक महीना हो गया उनका वर्कशॉप शुरू है और वो थिएटर आर्टिस्ट है और उधर जो थिएटर आर्टिस्ट है तो वो एक्टिंग अच्छे तरीके से एक्टिंग करते हैं. क्लासेस भी चालू होंगी एक महीने इसमें म्यूजिक दादा का रहेगा. म्यूजिक और भी आर्टिस्ट है इसमें बॉलीवुड मराठी फिल्म से रिलेटेड जो ब्रांडेड आर्टिस्ट है वो भी 3-4 लोग हैं. और बेसिकली इसमें जो इस फिल्म में जो भी रखा गया एक्चुअल रखा गया है मतलब कोई आर्टिफिशियल कोई ऐसी स्टोरी नहीं है. स्टोरी भी एक्चुअल है आर्टिस्ट भी वही उसी गांव से लिए गए हैं. मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा भी आज की डेट में है. और बच्चे जो आर्टिस्ट हैं नए नए बच्चे वो भी बहुत अच्छा टैलेंट है उनमें. तो मेरी तो इसी SRG फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से है कि जो एक्चुअल टैलेंट है वो सामने है. बड़े बड़े तो बन गए वो बन गए पर उनको भी एक मौका मिलना चाहिए तो ये मेरी इच्छा है. इसी को लेके मैं आगे इस फिल्म को लेके